हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दिस चैनल इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सरसाइज एट पॉइंट फाइव क्लास सिक्स राइट द नेम ऑफ ऑल वर्टिसेस एंगल्स साइड्स डायगनल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वारिलेटरल नाउ दिस इज गिवन क्वारिलेटरल एल एम एन ओ अब पहले लिख लेते हैं हम वर्टिसेस के नेम तो वर्टिसेस कौन से हैं ये वाले चार पॉइंट्स जहां पर एडजेंट लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को मीट करते हैं सो एल एम एन एंड ओ नेक्स्ट लिखने हैं एंगल्स के नेम अब एंगल्स कौन से हैं कॉर्डिलेटरल में ये वाले चार एंगल्स ओके अब हम इन एंगल्स के नेम यूजिंग वर्टेक्स ओनली भी लिख सकते हैं या फिर साथ वाले दो दो पॉइंट्स का यूज़ करके भी लिख सकते हैं ठीक है सो सिंपल वे में हम लोग इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल एल एंगल एम एंगल एन एंगल ओ तो मैंने यहाँ पर सिर्फ वर्टेक्स का यूज़ किया है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट एंगल दिखाना है ठीक है ये जो बीच में लाइन जा रही है वो इस एंगल को डिवाइड तो कर रही है बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल्स ऑफ क्वारिलेटर सो दैट मीन्स हम ये कंप्लीट जो बड़ा एंगल है ना इसकी बात कर रहे हैं ठीक है सो so इस पूरे एंगल को हम यूजिंग वर्टिक्स लिख सकते हैं सो so इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया एंगल एल एंगल एम एंगल एन एंगल ओ अदर वे में आप इसको कैसे लिख सकते हो आप एंगल का नेम ऐसे लिख सकते हो जैसे आप एंगल एल को लिख सकते हो एंगल ओ एल एम यहां से ओ लिया यहां से एम लिया ठीक है एंगल ओ एल एम क्योंकि जो एंगल एल है वो इन दोनों लाइन सेगमेंट से बन रहा है विद एल ओ एंड एल एम ठीक है सो so इसलिए हम ऐसे भी इस नेम को लिख सकते हैं ओके नेक्स्ट है साइड्स अब साइड्स कौन सी है जो चार लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके हमने कॉर्डिलेटरल बनाई है सो ओ एन एन एम एम एल एंड एल ओके नेक्स्ट है डायग्नल सो डायग्नल्स कैसे फॉर्म होते हैं क्वारिलेटरल के जब हम ऑपोजिट वर्टिस को आपस में मिला देते हैं तो ओ को ऐसे मिला लिया आपने एम के साथ सो so, एक डायग्नल हो गया ओ एम दूसरा डायग्नल कौन सा हुआ एल को मिला दिया एन के साथ सो एल एन इज दल सो क्वारेटरल में आपके दो डायग्नल होते हैं ओके okay? अब ये तो आपको पता ही है कि जो भी लाइन सेगमेंट है ठीक है डायग्नल इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट तो लाइन सेगमेंट में आप पॉइंट्स को आगे पीछे लिख सकते हो ओके एल एन लिख लो या एन एल लिख लो सिमिलरली ओ एम लिख लो या एम ओ लिख लो ओके पार्ट टू गिवन क्वारेटरल क्या है E, F, G, H. तो पहले वर्टिसेस लिख लेते हैं वर्टिसेस आर E, F, G एंड H. तो वर्टिसेस पे क्या होता है आपकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, वो मीट करती हैं एक दूसरे को नेक्स्ट लिख लेते हैं एंगल्स अब एंगल्स कौन कौन से हैं यहां पर ई e, एफ जी एंड एच तो इनके नाम हम यूजिंग वर्टिक्स लिख लेते हैं एंगल ई एंगल एफ एंगल जी एंड एंगल एच अपार्ट फ्रॉम दिस आप सेम एंगल्स को डिफरेंट वे में भी नेम कर सकते हो लाइक एंगल ई को आप कैसे लिख सकते हो एंगल एच ई एफ और एंगल एफ ई एच क्योंकि जो एंगल ई e है वो लाइन सेगमेंट ई एच एंड ई एफ से बन रहा है ठीक है सो so, इस फॉर्म में भी आप एंगल्स के नाम लिख सकते हो ओके क्योंकि यहां पर हम कंप्लीट बड़े वाले एंगल की बात कर रहे हैं ठीक है सो so, बड़े वाले एंगल को हम डायरेक्टली वर्टिक्स का यूज करके भी ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट है साइड्स सो साइड्स क्या होती हैं जो लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं उनको बोलते हैं साइड्स तो यहां पर कौन सी साइड्स है ई एफ देन एफ जी देन जी एच देन एच ई ओके नेक्स्ट है डायग्नल्स तो कॉर्डिलेटरल के डायगनल्स कैसे फॉर्म होते हैं जब हम ऑपोजिट वर्टिस को आपस में मिलाते हैं जैसे ई e को मिला दिया आपने जी के साथ सो ई जी इज वन डायगनल दूसरा डायगनल कौन सा बनेगा एच को मिला दो एफ के साथ एच एफ अब ये लाइन सेगमेंट्स हैं दोनों तो इनको आप ई e, जी को जी ई भी लिख सकते हो एच एफ को एफ एच भी लिख सकते हो ओके एंड डायग्नल्स आपके क्वार्डिलेटरल के हमेशा टू होते हैं So, this completes your question number three. Thanks for watching this video. I'll see you next time. Take care. Bye.